हेलो दोस्तों, तो इंडिया में क्रिप्टो खरीदना, बेचना, ट्रेड करना, होल्ड करना पूरी तरीके से लीगल है। इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो पर अभी तक कोई भी नियम लागू नहीं किए हैं, इसलिए क्रिप्टो बेचना खरीदना एकदम लीगल है। CoinDCX इंडिया का सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, जो कि डिजाइन किया हुआ है क्रिप्टो की ट्रेडिंग के लिए। ये न्यू कमर और पुराने कस्टमर दोनों के लिए बिल्कुल आसान है। और हाँ, यहाँ पर क्वालिटी चेक किए हुए ही क्रिप्टो है। ये ऐप सिंपल है, आसान है और सुविधाजनक है। आपको बस ऐप को डाउनलोड करना है, साइन अप करना है और अपना KYC रजिस्टर करना है। और आप अपना बैंक अकाउंट लिंक करके सिर्फ 100 रुपए से डिपोजिट कर सकते हैं और क्रिप्टो सिर्फ 10 रुपए से खरीद सकते। इस ऐप में कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं है और इसे आप अपने स्मार्टफोन में भी चला सकते हैं। CoinDCX में आपके पैसे पूरी तरीके से सेफ और इंश्योर है। इसमें 2FA विड्रॉलिंग पासवर्ड फीचर भी है। और दोस्तों, CoinDCX की सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने पैसे कभी भी जमा कर सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं। ये ऐप ISO सर्टिफाइड और सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करता है, इंक्लूडिंग KYC AML प्रोसीजर। CoinDCX को डाउनलोड करें, साइन अप करें और मेरे कूपन को TMR100 को यूज करें और पाए 100 रुपए का बिटकॉइन और 50 लाख रुपए तक का बिटकॉइन हर रोज। CoinDCX का एक लर्निंग प्लेटफॉर्म भी है, जहां पर आप क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के बारे में सीख सकते हैं। CoinDCX ने एक हैप्पी डे ऑफर भी इंट्रोड्यूस किया है, जहां पर आप हर रोज 1 लाख बिटकॉइन तक जीत सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करें और बहुत सारे पैसे कमाएं। CoinDCX में इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये ऐप सेफ है, सिंपल है और फ्यूचर यही है बॉस। मुकुल। हाँ माँ। जल्दी तैयार हो जा बेटा, तुझे कॉलेज भी जाना है और ये टिफिन भी देने हैं। हो गया माँ, बस थोड़ी देर और। ले बेटा ये सब के टिफिन और ये तेरा टिफिन, खाना टाइम से खा लेना। ठीक है माँ, मैं खा लूंगा, चल मैं जा रहा हूँ, बाय। अच्छा सुन, ये ले पैसे और 5 किलो आलू लेता आइयो, कल टिफिन में आलू के परांठे जाने हैं। ठीक है माँ, बाय। ये ले, और शाम को वापसी आते समय लंच बॉक्स दे दियो, वरना माँ को पता लग गया ना कि अपना खाना तुझे देता हूँ तो बहुत मारेगी। ठीक है। अरे यार, एक तो कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ, ऊपर से चैन उतर गई। हेलो। अरे कहाँ है यार तू? अरे भाई बस आ गया, वो टिफिन देने में लेट हो गया था, ऊपर से साइकिल की चैन उतर गई। बस आ गया भाई, तू टेंशन मत ले। ये ले माँ, और ये तेरा आलू, और ये पैसे ले, और अब ना फटाफट खाना लगा दे, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। चल ठीक है, तू बैठ, मैं अभी खाना लेके आई।
माँ मैं क्या सोच रहा हूँ, चीजें इतनी महंगी हो गई हैं, तो हम भी अपने टिफिन का रेट बढ़ा देते हैं। नहीं बेटा, अभी अभी तो हमारा काम जमा है, और ऐसे में हम टिफिन के रेट बढ़ा देंगे तो लोग हमसे खाना लेना कम कर देंगे। तो एक काम करते हैं ना, हम अपने खाने की क्वालिटी कम कर देते हैं, कम सामान में ज्यादा खाना बन जाएगा और हमारी बचत भी हो जाएगी। नहीं बेटा, लोग हम पर विश्वास करके हमारा खाना लेते हैं, और अगर हम उनको खराब खाना देंगे तो वो बीमार हो जाएंगे। नहीं नहीं, दूसरों का नुकसान करके हम अपना फायदा नहीं कर सकते। क्या हुआ, बजट कम है, हमारे लिए यही काफी है। हम दूसरों के साथ धोखा करेंगे ना तो ऊपर वाला सब देखता है। ठीक है माँ। लोरी हाँ लोरी तेरी लोरी, सुन सुन मैं बड़ा हुआ, तेरी शिक्षा से पैरों पर खड़ा हुआ, शरारतों से अपनी सताता था मैं, फिर भी लाडला तेरा राजा बेटा मैं, हुकूमत तेरी माँ, सलामत रहे माँ, हिफाजत करूँ माँ, इबादत तेरी माँ, माँ ओ माँ, माँ तू ही दुनिया मेरी, माँ ओ माँ, माँ तू ही दुनिया मेरी। यही चाहिए? हाँ यही है, बहुत पैसा इसके बैग में, रोज निकलता है यहाँ से ये। अबे जाना भाग, जाना भाग, भाग भाग भाग, छोड़ अबे छोड़ इसे, छोड़ मर साले। ये लो आपका बैग। थैंक यू बेटा। सारा सामान खराब हो गया। अरे बेटा, मेरी वजह से तुम्हारा बहुत नुकसान हो गया। नहीं अंकल, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बेटा ये इतने सारे टिफिन किस लिए हैं? वो हमारा लंच बॉक्स का काम है ना, तो वो देने जा रहा था, लेकिन आज ये गिर गया, नुकसान हो गया। बेटा ये पैसे रख लो। ये किस लिए अंकल जी? बेटा एक तो तुमने मेरी हेल्प की, और ऊपर से मेरी वजह से तुम्हारे सारे टिफिन खराब हो गए बेटा। नहीं नहीं अंकल जी, मैंने ये सब ये इन पैसों के लिए नहीं किया है, और मुझे इनकी ज़रूरत भी नहीं है। मेरी जगह कोई और भी होता ना, वो भी यही करता। नहीं बेटा, हर कोई ये काम नहीं करता। खैर छोड़ो, अगर तुम्हें पैसे नहीं चाहिए ना, तो मुझे भी एक हेल्प करने का मौका दो। ये पास वाला घर मेरा ही है, कल शाम मुझे 5 बजे आकर मिलो तुम। ठीक है सर। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो। मुकुल बैठो। मुकुल, मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी के एम्प्लॉय के लिए टिफिन सर्विस अब से तुम करोगे। लेकिन सर ये हम नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्या हुआ? सर मैं और मेरी माँ मुश्किल से 10-12 घर का खाना बना पाते हैं, और इतने लोगों का खाना बनाने के लिए खूब सारे पैसे चाहिए। देखो मुकुल, तुम पैसे की टेंशन ना लो, मैं तुम्हें 2-3 महीने का एडवांस देता हूँ, तुम बस काम शुरू करो। सर मुकुल, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, यही ना कि तुमने मेरी हेल्प की थी
और अब मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। जी सर। ऐसी बात नहीं है मुकुल, इस काम के लिए मुझे एक ईमानदार लड़के की जरूरत थी और वो ईमानदारी मुझे तुमने दिखाई दी। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे काम नहीं दूंगा, मैं पहले तुम्हारा खाना टेस्ट करूंगा, उसके बाद तुम्हें काम दूंगा। ओके सर। माँ, माँ किधर है माँ? अरे क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रखा है? अरे माँ तुझे पता है आज से ना हमें बस 10-12 लोगों का खाना नहीं बनाना है, हमें ना एक बहुत बड़ी डील मिली है। क्या मतलब? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। माँ देख, मुझे एक आदमी मिला था और मैंने उसकी हेल्प की थी। बेटा इतना बड़ा काम करने के लिए हमें पैसों की भी जरूरत पड़ेगी। अरे माँ तू टेंशन मत ले, उन्होंने ना हमें 2 महीने का एडवांस भी दिया है तो हम अपना काम आसानी से कर सकते हैं। सच्ची? हाँ। फिर ठीक है, चलो फटाफट से चल रहे हैं, हमें बहुत सारा सामान भी लाना पड़ेगा। चल ठीक है बेटा, चल चलते हैं। पढ़ाई भी करेगा और तेरे स्कूल जाने का सारा खर्चा मैं दूंगा, ठीक है? अरे ये क्या कर रहा है मुकुल, कहाँ लेके जा रहा है तू मुझे? माँ तुम 1 मिनट रुको तो सही। ये कहाँ लेके आया है तू? माँ ये हमारा रेस्टोरेंट है, अब हमें लोगों के घर जाके खाना नहीं खिलाना पड़ेगा, लोग यहाँ आके खाना खाएंगे। अपना रेस्टोरेंट? लेकिन मुकुल ये इतनी जल्दी कैसे हुआ? माँ तू नहीं तो बोला था कि ऊपर वाला सब देखता है, तू सही कहती थी, और ये ना तेरी मेहनत का फल है। और सुन अब तू ना चुपचाप इस कुर्सी पे बैठ के ऑर्डर दियो, कुछ भी काम नहीं करना तुझे। नहीं मुकुल, ये तुम्हारी मेहनत और लगन का परिणाम है बेटा, मैं आज इतनी खुश हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अच्छा सुन, ये ले पैसे और ना जल्दी से मिठाई लेके आ, मैं सब काम मीठा करवाती हूँ। माँ तू ना आज भी नहीं बदली। और मैं बदलूंगी भी नहीं। माँ तू ही दुनिया मेरी।